हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अगेन माय चैनल जोधा राजपूत आर्ट्स। तो आज हम कुछ डिफरेंस करने जा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। देखिए, शायद आपने देखा भी ना हो पहले कभी। तो आज हम ये क्रॉक्स पर एक्रेलिक पेंट करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल प्लेन है तो इन पर स्केच बनाएंगे और एक्रेलिक पेंटिंग करके इन्हें जानदार बना देंगे। क्योंकि देखिए, कलर और आर्ट ही तो ऐसी चीज़ है जो बेरंग दुनिया में रंग भर देती है ना। तो हमने चुना है एक यूनिकॉर्न के स्केच को। आप रेफरेंस ले सकते हैं कहीं से भी, मैंने भी लिया है। तो देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो रेफरेंस लेके अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। जिस अदरवाइज़ आप सोच के बार बार उसको एक उसमें ढाल कर अपने दिमाग में है ना देख कर लेते हैं, तो वो अच्छा ज़्यादा टेंशन नहीं होती है उसमें आपको। तो मैंने रेफरेंस ले लिया है यूनिकॉर्न का, और एक पीस पर हम बनाएंगे यूनिकॉर्न और एक पे उसका रिमार्केबल नेम लिखेंगे यूनिकॉर्न का, ओके, स्पेलिंग के साथ। आज के लिए फैशनेबल है कि आप दो चीज़ों पे सेम पे जो ही नहीं है कि सेम स्केच करें। तो ये किड्स के क्रॉक्स हैं, तो मैं कुछ डिफरेंस करना चाह रही थी। डिफरेंट में मैंने सोचा कि चलो एक्रेलिक पेंट कर लिया जाए और इन्हें कुछ रंग भर के और रंगदार बना दिया जाए। देखते हैं बच्चों को कैसे पसंद आएगा या नहीं। ये मैंने एक चैलेंज लिया था क्योंकि बिल्कुल येलो कलर में थे, एक सिंगल येलो कलर में। तो ये देखिए, मैंने स्केच बना लिया है पहले पेंसिल से, बड़ी आसानी से इस पे पेंसिल से स्केच हो गया था। और अब आउटलाइन कर रही हूँ मैं ब्लैक आउटलाइनर से। वो थोड़ा सा एज एन शो अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा जब आप कलर भरेंगे। और यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स में यूनिकॉर्न नेम लिख लिया था, और फ्रंट पे मैंने एक जस्ट आई लैशेज, उसकी टैग मार्क होता है ना यूनिकॉर्न का, एक आई लैशेज और हॉर्न बना होता है, वो मैंने बना लिया था। ठीक है, ये देखिए स्केच कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली मैंने पहले ट्रेसिंग करने की कोशिश की थी, वो अच्छे से ना बैठ नहीं रहा था क्योंकि सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा झुकाव में होता है। तो अब फर्स्टली मैं इसको देखिए ब्लैक आउटलाइनर कर रही हूँ। ब्लैक आउटलाइनिंग में मैंने देखिए एक्रेलिक कलर लिया है फैब्रिकल के, और आप देखिए इसमें कोई भी मीडियम न मिलाइएगा क्योंकि जब आप विदाउट मीडियम करते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये मैंने विदाउट मीडियम किया है, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं कलर को। ये फर्स्ट कोट मैं इसलिए कर रही हूँ अभी कि ताकि अच्छे से ये शो हो जाए जो मैंने बनाया है इसका कार्टून स्केच। तो इसके बाद रंग भरना थोड़ा सा आसान हो जाता है जब हम फिल करते हैं पूरे कलर्स को। तो देखिए, बेस इसका येलो है, लेकिन जब हम एग्जैक्टली कोई कलर दिखाते हैं तो बेस हमारा वाइट होना चाहिए। तो आउटलाइनिंग के बाद अब हम इसमें वाइट कलर करेंगे। पहले हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट उसकी कर ली है और अब मैं सेकंड करने जा रही हूँ। देखिए, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। ये मैंने स्पेलिंग इसकी, ये देखिए अब आपको शायद कैमरे में भी अच्छे से शो हो रही होगी, पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अब अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है अच्छे से। आप बिल्कुल ज़ीरो नंबर का ब्रश लीजिएगा और बहुत ही फाइन आपने करना है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। जब भी आप किसी चीज़ में अपना टाइम देते हैं तो वो चीज़ भी अच्छी बनती है ना। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कीजिए। और इसके बाद अब देखिएगा, ये बनेगा आपका बेस, तैयार हो गया है अब आपका, ठीक है। आई मीन टू से कि एक आउटलाइन आपको दिखाई देने के लिए परफेक्शन से, और अब हम इसमें करेंगे इसका बेस तैयार वाइट कलर से। तो वाइट कलर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए क्रॉक्स के जो बेस कलर है ये पूरा येलो है। अब इस पर हम सीधा अगर कोई कलर करते हैं तो वो निकल के नहीं आता, उभर के नहीं आता है, इसलिए मैंने पहले वाइट कलर किया है। वाइट कलर बेस कलर के रूप में किया ये मैंने।
देखिए, एक्रेलिक कलर ऐसे कलर होते हैं आप किसी भी सरफेस पे अच्छे से कर सकते हैं, कि बशर्ते आप उसमें मीडियम या पानी ना मिलाएं, अच्छे से उसे एज एन जैसे वो हैं वैसे ही आप उसे यूज़ कीजिए थिकनेस में, और मीडियम मिलाकर उसका थोड़ा जो उसकी क्वालिटी है वो हल्की हो जाती है। तो आपको एज एन जैसे कलर हैं वैसे ही यूज़ कीजिए, तो वो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें कोई भी मीडियम नहीं ऐड किया है, लाइक वाटर और अनदर सेकंड थिंग, डायरेक्ट मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बेरंग दुनिया में भी रंग भर देती है। हम आर्टिस्ट ही हैं जो दुनिया को रंगीन करते हैं कलर भरकर। तो आप किसी भी बेजान या बेरंग चीज़ में रंग भरिए और देखिए वो चीज़ें बोल उठती हैं। जैसे कि अब ये देखिए, बिल्कुल सिंपल और बेजान से लग रहे थे एक ही कलर में, अब इनको रंग भर के हमने कैसे कलरफुल कर दिया है। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये चीज़ें, तो आप किसी भी सरफेस पे कीजिए। अब मैं जैसे क्रॉक्स पे कर रही हूँ, आप उनके क्लोथ्स पे कर सकते हैं, आप उनकी बुक्स, कॉपीज़, एनी अदर थिंग जिन पर आप कलर कर सकते हैं। तो देखिए, कलर करके एक अलग ही रंग आ जाता है चीज़ में। तो ये मैंने वाइट बेस कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। देखिए, कहीं कहीं से अगर आपकी आउटलाइन डाउन जा रही है दूसरे कलर की वजह से, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। ये कोई जो ही नहीं कि आपने एक बार कर लिया है आउटलाइन ख़राब हो गई है कि अरे ये तो ख़राब हो गई अब हम दोबारा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको वापस से अच्छे से क्लियर कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए आउटलाइन अगर आपकी ख़राब हो गई है तो। देखिए, कहीं कहीं से मेरे ना ब्लैक कलर शो हो रहा था, यहाँ वहाँ लग गया था। तो ये मैंने ईयरबड लेकर उसमें थोड़ा सा उसे डिप किया पानी में और उसे फिनिश कर लिया, यहाँ से क्लियर जो सरफेस हो गया। देखिए, तो यहाँ वहाँ कहीं कलर के अगर छींटे लग जाते हैं तो आप उसे उसी टाइम साफ़ कर लीजिए, अदरवाइज़ वो बाद में नहीं होता है, है ना। तो ये मैंने देखिए कलर कर लिया है वाइट बेस पहले पीस पे भी और ये भी सेकंड पीस पे वाइट बेस हो गया है। वाइट बेस होने के बाद अब हम इसमें जो अदर कलर है वो फिल करेंगे। वाइट कोट होने के बाद जो बाकी की जो कलर हम फिल करेंगे ना, उनका एकदम से रंग निखर कर आएगा, देखिएगा। तो अब मैं इसमें रेड कलर मिलाकर वाइट में पिंक कलर बनाना है हमने इसके हेड के लिए, इसके हेयर्स, चिक और टेल के लिए। कहीं कहीं पे ये मार्क्स शो करेंगे पिंक कलर के, तो हमने पिंक कलर बनाना है। तो मैंने पिंक कलर बना के इसके चिक्स बनाए हैं और फिर वो जो उसके ईयर्स के राउंडनेस है वहाँ पर ये पिंक कलर लगाया है, हल्का सा हेयर में लगाया है और एक टिप उसके टेल में भी है पिंक कलर की। ये देखिए, बहुत ही फाइन, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये यूनिकॉर्न। और जब भी कोई अनकम्प्लीट चीज़ होती है वो परफेक्ट नहीं लगती है, कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत सुंदर लगेगा। आप एक्रेलिक कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो ही नहीं है कि आप फैब्रिकल के ही यूज़ करें, जो भी आपको अच्छे लगते हैं एक्रेलिक कलर आप यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर या एनी अदर ऑयल कलर ना यूज़ करें। ये मैंने जस्ट बैलेंस करने के लिए ना कहीं कहीं इस पर हार्ट शेप बना दिए। देखिए, एक दो जगह पर हार्ट शेप बनाई है, ये इसको पूरा बैलेंस करेगी। आप वीडियो को पूरी देखिएगा और बनने के बाद देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है, शेयर करिए जिनको आप दिखाना चाहते हैं ये यूनिक सा मेरा आर्ट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने जानकार किड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको ये अच्छी लगी वीडियो। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करने से आपको मेरी
नेक्स्ट वीडियोस का भी पता चलेगा, और उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। तो राइट साइड में देखिए रेड कलर का बटन है, जल्दी से उसे प्रेस कर दीजिए। तब तक ये कलर यहाँ पर हो जाएगा हमारा पिंक कलर के बाद। ये जो मैंने ब्लू में वाइट में लाया है वो मैंने कहीं कहीं पर जैसे हेड में, टेल में और इसके हेयर में ऐड किया है। तो जस्ट आप कोई भी कार्टून बना सकते हैं, ये मैंने यूनिकॉर्न बनाया है, अदरवाइज़ आप कोई भी कार्टून बना सकते हैं रेफरेंस लेके कहीं से भी, वो भी अच्छा लगेगा। ये जस्ट मेरी चॉइस थी कि मैंने यूनिकॉर्न बनाया है किड्स के उससे पसंद से। तो आप जो बच्चा चाहता है जिसके आप बना रहे हैं उससे पूछकर कोई भी कार्टून आप इस पर बना सकते हैं। जो ही नहीं है कि यूनिकॉर्न बनाए, किसी को पेपा पिक पसंद आता है, किसी को डोरेमोन पसंद आता है, और किसी को मिकी माउस पसंद आता है, बहुत कार्टून है देखिए बच्चों के लिए। तो ये मैंने जो यूनिकॉर्न का टैग लाइन था ये इसकी स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है और फिर कलर किया है। ये देखिए एक कंप्लीट हो गया है हमारा, अब ये सेकंड पे हम कर रहे हैं। सॉरी कुछ आपको अगर इंटरप्ट लग रहा है वीडियो में तो उसके लिए, कई बार कैमरे से दूर चले जाते हैं हाथ तो पता नहीं चलता है, करते करते हम इतना खो जाते हैं अपने आर्ट में। तो ये देखिए मैंने हार्ट शेप बनाई है कहीं कहीं पे, वो बैलेंस कर देता है ना कि आप एक जगह अलग से ही कार्टून की पिक बनाई हुई है और कुछ नहीं है, आप बाकी की थोड़ी थोड़ी जो स्पेस बचा हुआ है उस पर छोटे छोटे मार्क्स बना सकते हैं, एनी अदर लाइक काइंड हार्ट शेप, बलून शेप, ठीक है। तो ये अब हमने ब्लैक कलर से इसके आईलैश, जब हम फिनिशिंग देते हैं तब हम आउटलाइन को दोबारा से क्लियर करते हैं ताकि वो अच्छे से शो करे। पूरा आउटलाइन होने के बाद वो कार्टून की जो शेप है वो अच्छे से शो करेगी। देखिए मैंने दोबारा से आउटलाइन की है इस पर, क्योंकि जब वाइट, पिंक और ब्लू कलर किया तो वो कहीं कहीं आउटलाइन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये आउटलाइन मैं दोबारा से कर रही हूँ। अब हमने पिक को क्लियर शो करना है तो दोबारा से आउटलाइन कर सकते हैं आप इस पर। बहुत अच्छी सी सुहानी सी धूप, काफ़ी दिन की बारिश के बाद निकली, तो ये मैं धूप में बैठकर बना रही हूँ इसलिए आपको बहुत ब्राइटनेस दिख रहा होगा वीडियो में। तो आप भी जब बहुत अच्छा सा मौसम होता है तब आप बैठ जाइए अपनी मनपसंद आर्ट को लेके और कुछ नया बनाइए, कुछ क्रिएटिव बनाइए, है ना। तो वो जब दिल से निकली हुई चीज़ जब कोई बनती है ना तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए आगे आने वाली, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को ताकि आगे वीडियोस को आप देख सकें। तो ये हमारा यूनिकॉर्न का कार्टून जो कंप्लीट हो गया है, नियर अबाउट लिटिल बिट आउटलाइन में। आर्टिस्ट हमेशा कोशिश करता है कि अरे नहीं थोड़ा सा और अच्छा बन जाए, थोड़ा सा और अच्छा बन जाए, है ना। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा बना लिया, कोशिश करते रहिए और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने की। प्रैक्टिस मेन होती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक ही चीज़ पर बहुत बार, कई बार, तो हम परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, अपने आसपास प्लांट ग्रो कीजिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को साफ रखिए, सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए, अपने देश से प्यार कीजिए और सम्मान कीजिए। और चैनल के माध्यम से अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जो भी आपकी क्वेरीज़ है मैं कोशिश करूँगी कि आप जो कमेंट में बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ सीखनी है, ये सीखनी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो सब बता सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे आप किस चीज़ पर सीखना चाहते हैं, किस आर्ट के बारे में सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो जितना मैं जानती हूँ उतना आपको बताने की कोशिश करूँगी। एक्रेलिक पेंट है, वाटर कलर है,
पेस्टल कलर हैं, स्केचिंग है, मैं हर मीडियम में बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को कुछ अगर मुझसे पता चले तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी आप लोगों के भी। तो चैनल को लाइक करके जरूर जाइएगा। टिल देन, बाय बाय।